पहुंच चुके हैं खाओसांग रोड। बिच्छू भी खाते हैं भाई यहाँ। इंडिया में पान ठेले में सिगरेट गुटखा वगैरह बिकता है ना, वैसे यहाँ पे ये बिक रहा है। इतना गर्म हो गए थे कि हमें पानी की जरूरत था, हम सीधा ऊपर ले 6 फ्लोर पे। थाईलैंड के टॉप राइडर है। ट्रैक से आने के बाद मैं इतना एग्जॉस्टेड था, इतना ज्यादा थक गया था कि मैं आते ही सो गया। बैंकॉक के इस खूबसूरत से रूम को चेकआउट करने का टाइम आ गया है। मेरी फ्लाइट तो रात के 1:30 बजे की है। शाम को शायद हम लोग कहीं घूमने के लिए जाएंगे। यहाँ पे जो खाओसांग रोड है बहुत फेमस है, वो हम लोग देखने जाएंगे। टाटा बाय बाय रूम। मैं अभी आ गया हूँ राहुल के रूम पे। उस तब सामान वगैरह रख दिया है। राहुल रेडी? बस ऑलमोस्ट रेडी। खुल जा सिम सिम। ओहो, आपके रूम से तो व्यू और भी जबरदस्त है। ये मेट्रो जा रही है सामने, कैसा लगा भाइयों व्यू कमेंट करके बताओ। अभी हम लोग पूल साइड में आ गए हैं। यहाँ पर ये बाइक खड़ी है। ये बाइक क्यों खड़ा है ये तो बता दो। हम सीधा ट्रैक में ना इतना गर्म हो गए थे कि हमें पानी की जरूरत था, हम सीधा ऊपर ले 6 फ्लोर पे, तो वहाँ बाइक लगाया और यहाँ कूद गए। और थाईलैंड के ये जलपरे हैं, पहचानिए कौन, कमेंट सेक्शन में बताइए। बाइक चलाने के बाद ट्रैक काफ़ी एग्जॉस्टिंग होता है, बहुत थकाने वाला होता है। लोग बोलते हैं कि एक ट्रैक करोगे आप तो आपका 1.5 किलो वजन कम हो जाता है, सच बात है? हाँ, बट उसमें एक क्राइटेरिया है, 40 लैप्स आप चलाना पड़ेंगे। ओके, 40 लैप्स चलाने के लिए आपको जो स्टेमिना चाहिए और जो फिटनेस चाहिए वो आपको नेक्स्ट लेवल पे आपको जाके वर्कआउट करना पड़ेगा और हर सेगमेंट में। आप जरा इधर गौर करो, बच्चों जैसे खेल रहे हैं दोनों, जेसन पाजी और डीनो पाजी। गाइज, आप लोगों को हम एक बंदे से मिला रहे हैं। सॉरी का वरंगपोंग नाम है इनका। ये थाईलैंड के टॉप राइडर है, रेसर है और इन्हें काफ़ी सारी चैंपियनशिप जीती हैं और टीवीएस स्पॉन्सर्ड है। ये फिटनेस फ्रीक हैं, ये 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर ये साइकिलिंग करते हैं और रनिंग करते हैं। द गोल इज सक्सेस बाय यू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज मेक यू परफेक्ट। Wow. Did you feel depressing sometime? On a week, you have 7 days. I have cardio 4 days. Okay. And rest 1 day. And practice with mini bike and motor hot one. Or cycling. This is a cardio time. It can running, can cycling. This is a make you control the heart rate, keep the stable heart rate and stable the time. It means इनके पास depression के लिए time ही नहीं है। इनको तो मैं अच्छे से जानता हूँ, इन्होंने मेरे को ट्रेन भी किया। हमारे जगन भाई के लिए बता दे कि जगन भाई हमारे इंडिया के टॉप रेसर है वर्ल्ड वाइड। यस, इनने बहुत सारी चैंपियनशिप जीती है। यहाँ पर रिसेप्शन में लगेज छोड़ दिया है मैंने और 11 बजे आके ले लेंगे। होटल वालों ने ही टैक्सी बुला दी है। काफी क्लीन और साफ सुथरी कैब है। फ्री वाटर, फ्री कॉफी टू, नंबर वन मसाज। नो वी डोंट वांट इट बिफोर 11 or 11:30। भाइयों यहाँ पे बड़ी मुश्किल से कम्युनिकेशन हो रहा है गूगल ट्रांसलेटर के जरिए। सो ये हम लोग टैक्सी से उतर चुके हैं और पहुँच चुके हैं खाओसांग रोड। और यहाँ पहुँचने का सबसे पहले जो दिख रहा है कैनबिस स्टोर, मतलब का स्टोर है भाई। यहाँ पे लीगल है क्या राहुल? हाँ, यहाँ लीगल है। तो ये है वर्ल्ड फेमस खाओसांग रोड, पूरा पार्टी का माहौल है यहाँ पे। सिंगला चांग लाओ एटी भर समझ में नहीं आ रहा। ये सब भी खाते हैं, बिच्छू भी खाते हैं भाई यहाँ पे। तो भाइयों यहाँ पे हम लोग एक शॉप पे आए हैं, जैसे इंडिया में पान ठेले में सिगरेट गुटखा वगैरह बिकता है ना, वैसे यहाँ पे ये बिक रहा है, वो भी रोल वोल करके। ये पूरा ये लीगल है शायद यहाँ पे। खाओसांग रोड से थोड़ा साइड में आए यहाँ पे। यहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है। अगर मेरा व्यू पूछो तो बहुत ही अशांत सी जगह लगी, अशांति भरी हुई है और मजा नहीं आया। एक्चुअली मजा नहीं जितना वो सुन के आए थे ना हमें। हाँ, मतलब हमारी वाइब मैच नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई वहाँ पे। हाँ, मतलब एक
मतलब बोल सकते हैं ना कि वो अपने लायक जगह ही नहीं है, अपने जाने लायक जगह नहीं है वो, और एकदम तामसिक टाइप की फीलिंग आई वहाँ, मतलब हर जगह शोर शराबा और बाकी तो आपने देखा ही, देख ही लिया तो हम अपने अपने जुबान से नहीं बोलेंगे। सबसे मेन चीज तो ये है कि वहाँ पे नॉन वेज देख देख के दिमाग खराब हो गया पूरा। और यार बिच्छू भी खाते हैं यहाँ पे, बिच्छू केकड़ा मतलब वो मतलब कीड़े मकोड़े क्या क्या थे वो सब, बहुत सारी चीजें लोग बोलते हैं ग्लैमर है ये है वो है, बट अपन को वो अट्रैक्शन फील नहीं हुआ। हम लोग जैसे होटल में थे, किस लेवल पे हम लोग बात कर रहे थे करियर के बारे में, ड्रीम्स के बारे में बात कर रहे थे, और ये जो जगह है ये लोग यहाँ पे प्लेजर के लिए आते हैं, प्लेजर के लिए आते हैं। हमारा जो प्लेजर है वो नेक्स्ट लेवल का है, अचीवमेंट का प्लेजर है ना, सक्सेस ट्रांसफॉर्मेशन का प्लेजर। भाई लोगों को लग रहा होगा कि बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हैं, बट मतलब जो देखो सिंपल सी बात बताएं आपको कि जो जितना सुन के रखा ना, जितना हवा बना हुआ है कि बैंकॉक में ऐसा है वैसा है ये वो, हम लोग बाइक्स पसंद करते हैं, ऑटोमोबाइल पसंद करते हैं, तो सक्सेस चाहिए, हार्ड वर्क, मतलब वो बाइक की जो साउंड होती है ना वो रेविंग पसंद है हमें, इससे ज्यादा ट्रैक पे यहाँ से ज्यादा मजा आया, ज्यादा मजा आ रहा था। चलते हैं, हम लोग भी चलते हैं, अब एयरपोर्ट जाने का टाइम हो गया। राहुल बाय बोलना पड़ रहा है भाई, मिस करूंगा। अरे सर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने, सर को बहुत मिस करूंगा। हम लोगों ने 2 दिन एक्सप्लोर किया, बट ऐसा लग रहा है कि हम कितने सालों से जन्मों जन्म के साथ, जन्मों जन्म के बड़े भाई छोटा भाई। मैं आता हूँ इंदौर, स्टंट सिखाना मेरे को डेफिनेटली, और ब्लॉग देखने के लिए रेडी हो जाना चिंतामणि सर के, नया एक नया अवतार आपको देखने को। यस 11:56 और 2:40 की फ्लाइट है, बट जो बोर्डिंग टाइम है वो 1:40 का है। सो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कोलकाता लैंड कर चुका हूँ। फ्लाइट में बैठने के बाद ऐसी नींद आई, सीधे कोलकाता पहुँच के नींद खुली है। ब्लैक कॉफ़ी चाहिए मेरे को अभी, सिर्फ दिमाग में एक ही बात चल रहा है, ब्लैक कॉफ़ी मिल गई है। 250 रुपये की ब्लैक कॉफ़ी है भाई। सिक्योरिटी चेक वगैरह हो गया है, इमिग्रेशन वगैरह का जो प्रोसेस होता है वो सब हो गया है। लैंडेड इन रायपुर, रायपुर पहुंच गया, छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया। ब्रीफकेस भी आ गया, चलते हैं घर, चलते हैं शायद जिम जाना है। बोलू शाबाश, पूरी भी तगड़ी हुई है।